Welcome my all dear students, after CBSE board exam class 10th के notification आने के बाद मैंने जो आपको वीडियो दी थी उसमें जो मैंने आपको डेट शीट दिखाई थी उन सभी इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस को देने के बाद अब जो मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ वो NTS स्टेज सेकेंड के स्टूडेंट्स के लिए है। यस माई डियर स्टूडेंट्स, स्टेज वन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का पेपर जो कि स्टेज वन क्वालिफाई करने का स्टेज सेकेंड में जाते हैं जिसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है हमारी गवर्नमेंट द्वारा। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टेज वन क्वालिफाई किया था अब उनके लिए वो सुनहरा पल आ चुका है। कोरोना काल के इस युग के खत्म ये होने के मान लो इस बड़ी लड़ाई के खत्म होने के बाद अब उन लोगों को बच्चों को जो आफ्टर लॉन्ग टाइम गैप नाउ दे गेट द टाइम टू व्हाट दे गेट इट टू क्लियर द NTS स्टेज सेकेंड एग्जाम। सो NTS स्टेज सेकेंड एग्जाम 14 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा और मैं उन सभी बच्चों की हेल्प के लिए बताना चाहूंगा कि एडमिट कार्ड उन्हें कहां मिलेगा, क्या क्या नए गाइडलाइंस दी गए हैं, एडमिट कार्ड सेंटर में कैसे पहुंचना है, कितने बजे पेपर होगा, सारी गाइडलाइंस मैं आपके सामने लेके आऊं। तो चेक इट आउट। यस, सबसे पहला आपको करना है कि गूगल ओपन करना है जो कि सिंपल सा आप सभी जानते हो। उसके बाद इसमें आपको लिखना यह है कि आपको NCERT लिखना है। NCERT लिखने के बाद आपके सामने NCERT की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। NCERT की वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, डेट इज़ NCERT.NIC.IN पे। NCERT पे जैसे आप क्लिक करोगे ये आपके सामने NCERT की वेबसाइट ओपन है। दिस इज़ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑल द सिलेबस इज कंडक्टेड अंडर द गाइडलाइंस ऑफ NCERT। सो NCERT इज कंडक्टिंग द स्टेज सेकेंड एग्जाम, सो उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है देखते हैं हम लोग इसके कहां पे अवेलेबल होगी हमें इंफॉर्मेशन। सो हम इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं, हम प्रोग्राम से जाते हैं। प्रोग्राम्स में देखेंगे कि हमें नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTS में बहुत इंफॉर्मेशन है और सारी बहुत यूजफुल और सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन है, काम की इंफॉर्मेशन है। हम बात करेंगे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की बात करेंगे हम लोग। तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और जैसे हमने क्लिक करा देखिए आपके सामने NTSC का पूरा पैनल ओपन है जो आपको यहाँ सारे लिख देगा। हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ का भी मतलब नहीं है, फिलहाल हमारा मेन टारगेट है स्टेज सेकंड एडमिट कार्ड। NTSC स्टेज सेकंड एडमिट कार्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे माय डियर स्टूडेंट, और क्लिक करने के साथ ही आपको बच्चे को जिस बच्चे ने स्टेज वन में जो क्वालिफाई किया था वो स्टेज जिस स्टेट से बच्चे ने पेपर दिया चाहे हरियाणा राजस्थान यूपी MP उसका स्टेज वन का रोल नंबर उस बच्चे के पास होगा, उसी रोल नंबर को बच्चे को यहाँ डालना है आगे 4 डिजिट नंबर डालने के बाद। जैसे राजस्थान का बच्चा है तो 3019 डालने के बाद उसके अपना रोल नंबर डालेगा, अपनी DOB डालेगा जहाँ पे 2 डिजिट की डेट, 2 डिजिट की मंथ, 4 डिजिट की ईयर, यहाँ कैप्चा कोड जैसा यहाँ लिखा हुआ एज इट इज यहाँ उतारेगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेगा। हाँ जी, सबमिट पे क्लिक करते ही उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और वो एडमिट कार्ड मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि एडमिट कार्ड कैसा होगा। तो एडमिट कार्ड देखते हैं, ये एक एडमिट कार्ड मैं आपके एग्जांपल के तौर पे लेके आया हूँ कि जब बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। डेट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। और यहाँ पे आपके सामने एडमिट कार्ड है, क्लास 10th का बच्चा ये पेपर देगा, सभी को क्लियर है। एडमिशन कार्ड है आपके सामने, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर के टाइम पे लेके जाना है। यहाँ पे बच्चे का रोल नंबर होगा, यहाँ पे बच्चे का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, मदर नेम, फादर नेम, उसकी कैटेगरी और क्या वो सेंट्रल लिस्ट में जो भी है सारी इन्फॉर्म, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके ले जानी है। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपनी करंट पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपको अपने संस्था के प्रिंसिपल या किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के साइन करवाना होगा। सो ये मत भूलेगा, अपने एडमिट कार्ड फोटो लगाना और फोटो को अटेस्टेड करवाना हेड ऑफ द प्रिंसिपल द्वारा। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, पोस्टल एड्रेस डालिए, अपना नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, पिताजी का नाम हिंदी में, ये सब आपको फिल्ड करके ले जाना है। क्लियर है, ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग में आपकी क्वेरी डाउट क्लियर कर दूं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो स्टेट वाइज पहले से ही इनके द्वारा दिया गया था। NCERT ने स्टेज सेकंड के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं उनको पहले से बता रखा था। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसी भी स्टेट की, मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में एक ही एग्जामिनेशन सेंटर दिया NTSC स्टेज सेकंड का जो कि केंद्र विद्यालय नंबर 1 NH4 NIT5 फरीदाबाद। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की तो राजस्थान में केवल 2 सेंटर दिए गए हैं और पहला सेंटर है केंद्र विद्यालय नंबर 2 CRPF GC2
फॉय सागर रोड अजमेर, दूसरा है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बजाज नगर अपोजिट टोंक फाटक जयपुर। ये दो सेंटर डिसाइडेड किए गए हैं बाय एनसीईआरटी फॉर राजस्थान स्टूडेंट्स, जो राजस्थान के स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन स्टूडेंट्स के द्वारा। यदि उनका स्टेज सेकंड का जो आएगा उन बच्चों का एग्जाम सेंटर वो यहाँ आएगा। कुछ बच्चों ने बोला सर मेरा सेंटर इतनी दूर क्यों, तो मैं आपको बता दूँ सेंटर ही दो घंटे रखे गए एनसीईआरटी द्वारा और वो दो सेंटर आपके पास दिए रहे। अब आप इसे चलते हैं हमारे एडमिट कार्ड के ऊपर। अब एडमिट कार्ड पे देखते हैं तो यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा और ये सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये आपको जब वहाँ पहुँचाओगे एग्जाम सेंटर के अंदर और आपके इंसुलेटर जो होगा एग्जामिनेशन हॉल में उनकी उपस्थिति में प्रेजेंस में आपको यहाँ साइन करना है। क्योंकि पेपर आपका मेट्रो सेट दो पेपर होंगे, दोनों के अलग अलग इन्विजिलेटर होंगे, एक को आपको दोनों मैट के टाइम में मैट का साइन करना है, सेट के टाइम में सेट का साइन करना है। अगर कुछ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैंने पहला आपको बता दिया फोटो गेस्टेड ऑफिसर द्वारा साइन होनी चाहिए और ये सारी चीज आपको साथ में एक ब्लैक और ब्लू बॉल पेन लेके आना है और कोशिश करना है कि अपना खुद का ही करना, क्या लिखना ही अपना खुद का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एडमिट कार्ड पे, और जो रोल नंबर है वो आपके ऑन टेस्ट बुकलेट के हिसाब से लिखना है और बुकलेट नंबर भी ओ मार्कशीट में लिखना है। कुल मिला के ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, आप आसानी से इन्हें पढ़िए आपके एडमिट कार्ड में और जो मेन बात है कोविड की गाइडलाइंस को भी फॉलो करते चले गए एग्जामिनेशन सेंटर पर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी ने जो एडमिशन लेटर डाला है उसमें उसने कुछ पार्ट ऐसा दिखाया है कि जो कैंडिडेट के पास रहेगा। एक साफ कहना चाहती है, डियर कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एट द फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग टेस्ट यू आर टू अपियर इन नेशनल लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप ऑन द डेट एंड टाइम एज अंडर नंबर नो सर्कमस्टेंसेस यू विल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 9:50 AM। सो माय डियर स्टूडेंट 14 फरवरी को जो कि आपका एग्जाम है 14 फरवरी 2021 को संडे को आपका एग्जाम है, रिपोर्टिंग टाइम 8:30 है और आपको 9:15 के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं किया जाएगा। एक और चीज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन डेट आपकी 14 तारीख को है सभी पूरे इंडिया में, पेपर वन जो होगा आपका मैट होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा, जिसके समय है सुबह 9:30 से 11:30 तक। अगर कोई बच्चा डिसेबल कैंडिडेट है मतलब उस बच्चे को आधा घंटे का एडिशनल टाइम दिया जाएगा, उस बच्चे का पेपर 12:00 कंप्लीट होगा। ये आपको पहले से पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, मार्क्स आपके 100 होंगे, समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा, 120 मिनट दिए जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ सेम इसी वे में आपका दूसरा पेपर सेट का होगा जो कि स्कॉलरस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये पेपर आपका 1:30 टू 1:30 आपका शुरू होगा और उसके बाद 3:30 पे आपका पेपर कंप्लीट होगा और जो बच्चा डिसेबल्ड है उसका 4:00 कंप्लीट होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास और ये हो गया। इसमें भी सेम पार्ट है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, साइंस के 40, मैथ के 20, एसएसटी के 40 क्वेश्चन होंगे और ड्यूरेशन भी क्या होगा इसके, मार्क्स भी होंगे 100 मार्क्स का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दोबारा रिवीजन के तौर पे लेके आ रहा हूँ, क्या पेपर का एक पूरा स्ट्रक्चर होगा। ये एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि 32% मार्क्स लाना दोनों पेपर में बहुत जरूरी है और किसके लिए, आपके SC ST SC ST NPWD के लिए, 40% फॉर जनरल के लिए, और आपके अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे OBC और इसकी सेंट्रल EWS कैटेगरी हिसाब से अलग अलग लिस्ट बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खुशखबरी की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, दूसरी बात आपको क्लियर कर दूं कि जो कैंडिडेट दोनों पेपर में अलग अलग पास होगा उसे ही मेरिट सेलेक्शन में लिया जाएगा और जो मेरिट सेलेक्शन लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स विच इज ऑप्टेन ऑन मैट एंड सेट। कोई बच्चा बोले मेरा मैट में तो 100% सही है लेकिन यार सेट में समझ में नहीं आया क्या हुआ पेपर में, तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। दोनों पेपर में आपका 100 मार्क्स का पेपर मैट का होगा, 100 मार्क्स का सेट का होगा, दोनों में अलग से पास होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये आपका हो गया, इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड होगा। और मैं आपको एक थोड़ा सा एक पिक्चर ये भी दिखा दूं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जो कि पहला पेपर आपका मैट का होगा वो आपको किस तरीके की ओ मार्कशीट दी जाएगी। ये आपकी ओ मार्कशीट है और ये मार्कशीट में आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। देखिए यहाँ पे सर्कल करते हुए कोशिश कीजिए कि करेक्ट वे यूज करो मार्किंग करने का।
यहाँ पे आपको टेस्ट बुकलेट नंबर डालना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, आपकी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी फिल करो, डिसेबल्ड हो तो डिसेबिलिटी फिल करो, और ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, इसको फिलअप करना है। यहाँ कैंडिडेट का साइन, यहाँ पे आपके जो भी इन्विजिलेटर है वो साइन करेगा। सेम इसी वे में आपको सेट की दूसरी मार्कशीट मिलेगी। सेट के अंदर जो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर क्लास 10th है, इसमें भी आपको सेम फंडा होगा, टेस्ट बुकलेट नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये कास्ट हो गया, डिसेबिलिटी वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने जहाँ तक कोशिश करना चाहे कि आप लोगों को इस हद तक बता सकूं कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। होप यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फेस द NTSC सेकंड एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।